हेलो गाइस, माय नेम इज़ विश्वराज पुरोहित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो स्पेशली इस विंटर्स के लिए है। जैसा कि आप सबको पता है कि ठंडी का मौसम शुरू हो गया है, तो मैंने उसके ही रिलेटेड एक आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लाई है, वो है हॉट चॉकलेट। ठंडी में दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, एक है हॉट सूप और दूसरा है हॉट चॉकलेट। जो चॉकलेट का फैन है और उसको हॉट चॉकलेट नहीं पसंद, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं सारे चॉकलेट फैंस को इस वीडियो में एक हॉट चॉकलेट की रेसिपी दिखाऊंगा जो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो जाएगी। तो चलिए, एज ऑलवेज विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। मीडियम फ्लेम पे हॉट चॉकलेट बनाना शुरू करना है। सबसे पहले हम मिल्क ऐड करेंगे और मिल्क को हमें अच्छे से गर्म करना है, फिर ही उसके अंदर हम लोग कोको पाउडर ऐड करेंगे। पाउडर ऐड करेंगे, के बाद इसको विस्क से अच्छे से मिक्स कर देना है जिससे कोई लम्स क्रिएट ना हो। पाउडर ऐड करने के बाद हमें फ्लेम को हाई पे करना है और हमें मिल्क को अच्छे से बॉईल होने देना है। जब आपका मिल्क अच्छे से बॉईल हो जाएगा, फिर आपको उसके अंदर डार्क चॉकलेट ऐड करनी है। अगर आप चाहे तो आप नॉर्मल चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, आप कट या फिर शेड कर दीजिए जिससे वो अच्छे से मिल्क के साथ मिक्स हो जाए। कॉर्नफ्लावर और वाटर मिक्स करके भी स्लरी बनाई जा सकती है, और आप कॉर्नफ्लावर के साथ मिल्क को भी ऐड करके उसकी स्लरी बना सकते हैं। कॉर्नफ्लावर की स्लरी आपको अच्छे से मिक्स करनी है, और ये सबसे मेन चीज़ है जो आपके हॉट चॉकलेट को थिक करेगा। तो जो ये चॉकलेट मिल्क है, जब ये बॉयल हो रहा हो उसी टाइम पर आप ये स्लरी ऐड कीजिए, तो ये स्लरी उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और स्लरी ऐड करने के बाद उसको कंटिन्यूसली स्टर करें। चॉकलेट की स्वीटनेस काफ़ी होती है, पर अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा स्वीट करने के लिए 2 चम्मच शुगर ऐड कर सकते हैं। हॉट चॉकलेट को गर्मा गर्म सर्व करें। कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे पूरा करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही किसी नए रेसिपी वीडियो में विद सम एक्साइटिंग रेसिपी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।